मोकामा के सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद आरजेडी विधायक अनंत सिंह की अब विधायिका भी चली गई है। जी हां, विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मोकामा से विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई है। 21 जून से उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। अनंत सिंह की विधायिका खत्म होने के साथ ही अब बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या घटकर 79 हो गई है। लेकिन अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद भी आरजेडी अभी भी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें, विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना देने के बाद अब मोकामा विधानसभा सीट खाली हो गई है और इस सीट पर अब चुनाव किए जाएंगे और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। 21 जून को पटना की MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक आवास से अवैध हथियार बरामद किए गए थे, जिसमें हैंड ग्रेनेड AK-47 सहित कई हथियार बरामद किए गए थे, जिसके बाद अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में रहकर भी अनंत सिंह चुनाव जीत गए थे। आपको बता दें, अनंत सिंह की बिहार में पहचान बाहुबली विधायक के तौर पर होती है। नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा से अनंत सिंह ने JDU उम्मीदवार राजीव लोचन नारायण सिंह को हराया था। वह पांचवी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल भी हुए थे। विधायिका जाने से अनंत सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं।